ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸੇ ਕਾਨ ਹੀ ਉੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨ ਹੀ ਉੜ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੋਲ ਲੱਤੋਂ ਗਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ। ਬਸ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆ। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त राजपुरा, जो कि पंजाब में है, उसके सिविल हॉस्पिटल में हैं और यहाँ लगातार जो घायल किसान हैं उनको लाया जा रहा है। किसी को पैलेट बुलेट यानी रबड़ की प्लास्टिक की गोली लगी है, तो किसी को आंसू गैस का गोला लगा हुआ है जो कि ज़मीन पर लाके फट रहा है। तो ये कैसे ही किसान हैं जिनका पैर फ्रैक्चर भी हो गया और पूरा फट गया है, इसमें शायद अभी प्लास्टर भी हो और अभी पहले जो शुरुआत का जो घाव है, स्किन निकल गई है, उसको अभी उस पर कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स की वो ठीक किया जाए, उसके बाद फिर जो फ्रैक्चर हुआ है उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर तमाम किसान हैं जो रात से आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या हुआ है। आपका पूरा नाम क्या है? मनविंदर सिंह है सर मेरा नाम। कहाँ से मनविंदर जी आप? मैं यहीं लोकल हूँ जी, यहाँ राजपुरे का। राजपुरे का ही है। तो कल क्या हुआ, आज लगा कि कल लगा आपको? कल लगा सर ये। अच्छा, क्या हुआ था पूरी बात बताइए। वहीं सर रुके हुए थे जहाँ किसान धरने के पास, वो आंसू गैस वाले गोले डाल रहे थे साइड से, वो लगाई हम, बहुत लोग फटड़ हुए थे उसमें। तो कल आपके पैर में आके फट गया वो? हाँ, इसके रफ्तार के साथ लगाई है हम पे आके पैर में वो। अच्छा, बहुत तेजी से सीधे आपके पैर में आके ब्लास्ट हुआ। हाँ जी। तो क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितनी चोट लगी है? डॉक्टर कल देखेंगे जी, सर्जरी वाले क्या बनता है, अभी तो फर्स्ट एड है ना। सर्जरी भी किए, टांके भी लगाए हैं? हाँ, टांके एक दो लगा है, लेकिन लगा नहीं, मांस नहीं रहा ना, उड़ गया, मांस नहीं रहा, पूरा फट गया, मांस ही निकल गया। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मांस निकल गया, हड्डी दिख रही थी। हाँ जी, हाँ, यस यस, हड्डी दिख रही थी। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे, आगे जा करके क्या आप बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? वहीं खड़े थे, पीछे तक आ रहे थे, गोले ऊपर से गिरते थे वो ड्रोन के साथ कुछ। तो ड्रोन वाला लगाया आपके? नहीं नहीं, नीचे वाला लगा है, यानी कि गोले बहुत दूर तक आते थे। हाँ, हाँ जी। तो अब पंजाब की हद में घेरते थे ये वो गोला, वहाँ हरियाणा की हद में नहीं, पंजाब की हद तक गोला जो दागते थे वो पंजाब की हद में दागते थे। आपके साथ और भी लोगों के इनको चोटें आई होंगी? हाँ जी, कम से कम 70-80 जने को। मैंने देखा कुछ लोग कल कल, मुझे मैंने देखा कि अभी एक लड़के के यहाँ पे पैलेट गन लगाए, उसके स्टिचेज हैं यहाँ पे, सर भी फटाए किसी का, तमाम लोगों के चोटें। हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल प्लास्टिक वाली गोली मारते हैं वो, एक वो भी लगी है कई लड़कों के। तो आपके परिवार वाले लोग परेशान होंगे ये देख के आपकी हालत? तो हाँ जी, परेशानी तो होती है, देखो चोट लगती है तो परेशानी तो होती है ना। कैसे हैं आप, चढ़दी कला? बिल्कुल जी। जोश कैसा है? जोश तो रहेगा, अब अपने देश के प्रति तो जोश रहेगा ही, पंजाब के प्रति, पंजाब के हैं हम, हमारे में जोश भरा हुआ है वो तो रहेगा ही, वो नहीं जाएगा। अच्छा बाबा, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो, कल रात से हो आप यहाँ पे? हम सुबह से पहले शंभू की जो संगत जा रही थी उनके लंगर की सेवा की, शाम को हमको पता भी जहाँ मरीज आ रहे हैं और रात के हम जहाँ ही हैं, जहाँ यहीं हैं, जहाँ ही हैं। कितने लोगों के चोटें लगी हैं, किस किस तरीके की चोटें लगी हैं और इलाज क्या यहाँ ठीक मिल रहा है? यहाँ ऐसे अभी इलाज तो बहुत रहा, डॉक्टर सभी डॉक्टर हैं यहाँ 24 घंटे हैं, तो लंगर की सेवा भी है। जहाँ से जो लोग हैं, कोई पीजीआई में रेफ़र किए हैं, कुछ रजिंद्रा हस्पताल में रेफ़र किए हैं, कुछ प्राइवेट हस्पतालों में भी रेफ़र किए हैं। एक तो सिर में कई तो साट लगी, कई हाथ के गुट ऐसे हो गए, उनको टांके लगाए, उसने रेफ़र किया, कईयों के आँखों में प्राइवेट हस्पतालों में इलाज के लिए कराया। हम उनके लिए 24 घंटे खड़े हैं, जो सरकार ऐसे करेगी थी तो हालात देश का ख़राब होगा, इसके जिम्मेदारी मोदी सरकार ही होगी। आप बता रहे थे किसी का कान में भी फट गया, जहाँ से कान ही उड़ गया है, एक का कान ही उड़ गया, कई को लत्तों के नुकसान हो गया, सिर में बहुत नुकसान है, बाएं फ्रैक्चर हुई है कई, बाएं फ्रैक्चर हो। हाँ जी, हम देख रहे हैं जहाँ से कटोकट 70 मरीज राजप्रिया अस्पताल में आ रहे हो, 70 मरीज आ चुके हैं अस्पताल में। किसी का भी बता रहे थे कि किसी का हाथ भी टूट गया है, हाथ में टांके भी लगे, टूटा भी है, पट भी टूटा है, किसी का पैर भी टूटा है, टूटा है गोडे पर भी सट लगी है, गए होंगे सिर में सट बहुत के, उसका हुआ।
नहीं, वो अभी तक जो पुष्टि उसकी नहीं हुई है, क्योंकि शायद हो सकता है हवाई जो लोग है ना, जो वो जहाँ वो मेरे को पित्तल की गोली दिखा रहे हैं, उनको पित्तल के वहाँ से मिले हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हमने भी देखे हैं, लेकिन वो जो गोल जो करेगी नहीं सरकार, ही पुष्टि तो नहीं करेगी। देखो कैसा हमारा देश है, हम आजाद थोड़ा है, पंजाबी ने 97% कुर्बानी दी है, पंजाब के जो लोग हैं ना जो देश बचाने के लिए 97% पंजाब मतलब फौजों में पंजाब के लोग हैं, हमेशा लड़ते आए हैं, उसमें पंजाब के लोगों की बहादुरी पर किसी को कोई शक नहीं। पंजाब के लोगों की और भी कुर्बानी सुनने वाली है, जो तो गुरु तेग बहादुर महाराज थे 10.5 पातशाह, जिन्होंने सारा सरबान साढ़े लिए कुर्बान किया, उस टाइम 9 साल की आयु में थे। उस टाइम जो हिंदू लोग हैं जो इनको जबरी मुसलमान बनाया जाता था, जो आज मोदी लोग कहता है या अमित शाह वर्गे दिखाते ना हिंदू राज हिंदू राज, ये बहुत माड़ी गल है। उस टाइम सिखों ने इनको हिंदू मुसलमान बनाने रोकने के लिए हमारे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज ने चांदनी चौक में शहीदी दी, तो इनका हिंदू तो कराया, तो इन्हों लोगों ने फिर 10वें पातशाह से बैर किया, फिर उसी पर हमला किया, तो हमारे गुरु साहब ने अपने 4 साहबजादे कितने सिंह कुर्बान किए, पर लाल किला के पास में लाल किले के लोग अपना कर्म भूल गए कि सिखों ने साढ़े लिए क्या, जे आज सिख ना होते जे लोग हिंदू ना हो। सिख से ज्यादा किसानों की है मुझे लगता है इस वक्त, जो किसान है वो सिख ही है, जो जो किसानों को दिया है ना ये किसानी का हक दवाया है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जो 10वें पातशाह ने गुरु ने भेजे थे ना बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, तो उन्होंने ही वो कराया था, हक दवाया था। तो ऐसे तमाम मरीज जो है यहाँ पर आ रहे हैं, इनको चोटें लगी हैं, हम और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिनका इलाज जो चल रहा है यहाँ पर, किसी के आँख पे मुंह पे तमाम चोटें आई हैं, अब इनके सर पे भी चोट आई है सामने, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। तो फिलहाल राजपुरा अस्पताल ऐसे ही मरीजों से, घायल मरीजों से भरा हुआ है, आप इनके साथ हैं या सेवा करने आए हैं? नहीं, सेवा में सर, सेवा में आए हैं। जो पैलेट बुलेट्स लगी हैं, रबर की गोलियाँ लगी हैं, तो वो भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर किसान, दिखा रहे हैं वो? हाँ जी सर, दिखा रहे हैं, लेके आ रहे हैं साथ में, हर तरह की गोलियां हैं लगी हुई। गोलियां भी लग, गोलियां तो नहीं चलाई गई अभी तक, उसकी पुष्टि नहीं हुई, पहले रबर की बुलेट है। आप भी किसान आंदोलन में लगे, आपके क्या कहाँ लग गए, कहाँ क्या लगा आपके सर पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखवीर सिंह है। कहाँ से लखवीर जी आप हैं, कहाँ से आए हैं? मानसा पिंड है सर, रामकोट। तो आपको कहाँ लगी चोट सर पे? यहाँ पे लगी है, वो रबर की गोली लगी, पैलेट बुलेट जी। हाँ जी, रबर के बुलेट लगी है। हाँ जी। तो क्या टांके लगे हैं? हाँ जी हाँ जी, वो रिपोर्ट आ रही है सर, ईसीजी करवाई सी, उधर रिपोर्ट आ रही है, ईसीजी कराई है आप? हाँ जी। कब लगी थी? कल लगी, कल कल। क्या हुआ था बताएंगे? असी जा रहे सी बॉर्डर की सर, जदों मूरे अगे पिछे ट्रैक्टर सीगे, अगे असी सीगे, तो उन्होंने गोलियां चलाइया, तो मेरे प्लास्टिक की गोली सी, प्लास्टिक गोली लगी आपके सर पे लग गई। हाँ, और आप बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे? हाँ हाँ सर। तो आपके साथ और भी लोग होंगे जो हाँ, आपके साथ? बहुत से बहुत से। तो खून निकला काफी आपके? हाँ, काफी। परिवार क्या कह रहा है आपका, परेशान है, बताया आपने परिवार को? हाँ, परिवार को वीडियो आई, वीडियो देखी परिवार ने, उसे खून दी बहुत ज्यादा, वीडियो देख के फोन किया उन्होंने, परिवार तो परेशान ही है। तो जो रबर बुलेट्स हैं जिन्हें पैलेट बुलेट्स कहते हैं, उन्हें सिविलियंस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अवैध है, ये इल्लीगल है, और उसका इस्तेमाल हुआ है और तमाम किसानों को चोटें आई हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, हमने सुबह भी दिखाया और अभी भी दिखाया है कि कैसे पैर उनका फट गया, आंसू कैसे गोले में इनके सर पर लग गए हैं। और सिर्फ यहाँ पर दो मरीज नहीं हैं, बहुत सारे मरीज हैं, सारे सर रेफर कर दिए, रेफर कर दिए। हाँ, कोई रेफर कर दिए, चले गए सर, पता नहीं है थे। अगर हम यहाँ से जाएं वहाँ पे ऑर्डर पे, हम अपने आप से कोई उन पर वार करें किसी चीज़ से, फिर तो माने भी चलो हम वार कर रहे हैं, फिर हम शांतमय तरीके से अपने हक मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, है ना, भी हम शांतमय तरीके से, फिर भी हमारे पास, आप देखो ये लोकतंत्र हो सकता है क्या? जब ऐसे किसान अपना शांतमय तरीके से एक भी वायर नहीं कर रहे, वो आपने देखा ही आके यहाँ पर कितने किसान फटर हुए हैं, तो आपको क्या लगता है सर, अभी ये लोकतंत्र है, ऐसा होना चाहिए हमारे साथ? क्या पत्थरबाजी कर रहे थे, क्योंकि सर पत्थर थे आपके हाथ में? नहीं नहीं, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बनी है।
पत्थर नहीं था, वही अपना नारेबाजी करते हो, नारेबाजी कर रहे थे। तो मैं ये सवाल ही पूछ लेता हूँ, तो अब क्या करेंगे आप? अब चोट भी लगी, आपके साथी वहीं हैं, बहुत ज़्यादा उत्थे आएंगे, जिन्हें थोड़ी सट लगी है उत्थे जाके देखो, उसकी बहुत ज़्यादा थोड़े लोगों को चोटें लगी, वो टाँके लगवा कर वापस से शंभू बॉर्डर पहुँच गए हैं। तो ये तस्वीरें थोड़ी विचलित परेशान कर देने वाली हैं, ये भी भारत देश के नागरिक हैं, और इन सब चीज़ों से दिल्ली की दूरी तो 200 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन पंजाब से दिल्ली की जो दिल की दूरी बढ़ जाएगी, वो उसका कम होना एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा वक्त लगेगा, एक बहुत बड़ी गहरी चोट है जो इस वक्त किसानों को लगी, और यही वजह है कि वो और प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत की बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो पहले माहौल बनाइए, आंसू गैस के गोले छोड़ने बंद करिए, रबर बुलेट चलानी बंद करिए, फिर बातचीत के लिए बुलाइए, माहौल बनाइए। गुलाब और गोली साथ में नहीं चल सकते। सहयोगी शाहीन अस्कर के साथ राजपुरा के सिविल हॉस्पिटल से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।